अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीएससी टीवी के साथ मैं हूं उमर बख्त। सनती और तजारती सरगर्मियों के लिए सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इसी मकसद के लिए सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफद ने पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का विजिट किया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डीएजी कामरान खान ने वफद को पुलिसिंग में जदीद टेक्नोलॉजी की अहमियत और इस्तेमाल बारे ब्रीफिंग दी। इस हवाले से वफद का क्या कहना था, आइए जानते हैं। वेलकम टू द शो। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मियां इमरान अकबर, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, आज पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के विजिट पे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, जिस तरह आप जानते हैं कि सियालकोट एक बड़ा एक सनती शहर है, एक्सपोर्ट में उसका बड़ा एक एक्सपोयर है, उसका एक पार्ट है। क्या समझते हैं कि जो सनती सरगर्मियाँ होती हैं, तजारती सरगर्मियाँ होती हैं, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का होना बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी है सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट का। क्या समझते हैं कि सेफ सिटी किस तरह मुआवनत कर सकता है सियालकोट की, एक बिल्ड करने के लिए सेफ सिटी सियालकोट को? जी, हमारा आने का मकसद ही यहाँ पे यही था, एक तो इस सिस्टम को देखना, और हमें बड़ी खुशी हुई है यहाँ पे आके देख के जिस तरह सिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा है और जिस परफेक्शन के साथ आप ये इसको सारे को लेके चले हुए हैं। तो हमारा आने का मकसद भी यही था कि हम इसको एक तो सिस्टम को देखें और इसको जो है सियालकोट में रेप्लिकेट करें, या आपको दरख्वास्त करें कि आप वहाँ पे हमें भी लूप मिलें और जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं आपके उनमें हमें भी शामिल करें, ताकि जो हमारा एक इंडस्ट्रियल सेटअप जो बना हुआ है और हमारे कस्टमर्स जो आ रहे होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेवल हो रहा होता है, तो उसमें जो है ना कंटिन्यूटी भी रहे और लोग अपने आप को महफूज भी समझे। इसके अलावा हमारे बाद इश्यूज ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे हमारे इंक्रोचमेंट के हैं, ट्रैफिक के मसाइल हैं सारे, वो तो मैं देख रहा था कि ये सारे मसाइल जो हैं तकरीबन लाहौर में एलिमिनेट कर दिए गए हैं, तो मैं चाहूँगा यही मॉडल जो है वहाँ पे भी लेके आया जाए इंशाल्लाह। सर, बात हो अगर सिक्योरिटी सर्विलेंस की या फिर इंटरनेशनल जो पाकिस्तान का इंडेक्स है ट्रैफिक का, लाहौर की स्मार्ट सिटी की वजह से और ट्रैफिक इंटेलिजेंट मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से वो बहुत बेहतर हुआ है। क्या समझते हैं कि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है इसकी क्या अहमियत है, कितना ज़रूरी है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए होना इसका? मेरा ख्याल है जी, ये तो कह लें कि बेस लाइन है हमारी। ट्रैफिक अगर फ्लो में नहीं है तो मेरा ख्याल है कुछ भी आपका जो है वो प्रेडिक्टेबल, कोई चीज़ भी प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकती, इसलिए मेरा ख्याल है कि ये सब बेस लाइन है हमारी। और ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है लाहौर की जो हमने यहाँ पे देखी है ज़बरदस्त, इससे बेहतर मेरा ख्याल है शायद ही मुमकिन हो। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख जुहेब साहब, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आप पहले तो पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के विजिट पर। सर, कैसा लगा कि आपको पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का जो इम्पैक्ट है, उसके बाद यहाँ की वर्किंग, यहाँ का वर्क फ्लो देख के आपको क्या, आपका क्या एक्सपोजर है, क्या एक्सप्रेशन है आपके? माशाल्लाह, इट्स अ ग्रेट इंस्पायरेशन एंड वी आर फीलिंग प्राइड के माशाल्लाह वी आर इन पाकिस्तान, और जो स्टेट ऑफ आर्ट आपने सिस्टम यहाँ पे बनाया है, आई मीन थ्रू आईटी, थ्रू ऑटोमेशन, इट्स अ ग्रेट इंस्पायरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। और आज जो हमारे आने के यहाँ जो मकसद था, जिस हमारे प्रेजेंट साहब ने भी कहा, कुड एप्लीकेट द सेम फॉर द सिटी ऑफ सियालकोट, जो कि वन ऑफ द इंडस्ट्रियल हब ऑफ पाकिस्तान और जो रोमिंग बेस्टर पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं और जो इंटरनेशनल हमारे कस्टमर्स आते हैं, अगर ये सेटअप हम यहाँ पे सियालकोट में रेप्लिकेट कर सकें, इट विल गिव ए वेरी पॉजिटिव इमेज टू ऑल द कंट्रीज के पाकिस्तान इज़ ए सेफ सिटी, और जो सियालकोट है जिसका लाहौर एक सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है, और इंशाल्लाह हम सियालकोट में अगर ये हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं सक्सेसफुली, इट विल डेफिनेटली बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री एंड आल्सो इंक्रीज द, आई मीन द पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाज़रीन, बात करते हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी जहांगीर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपने पहले तो एक विजिट किया और अब आप हमें आपने टाइम दिया बात करने के लिए। सर, सेफ सिटी को आपने विजिट किया, कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा आपको फैसिनेट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द लॉस्ट एंड फाउंड, ई चलान, या फिर हमारी इंटीग्रेटेड एमरजेंसी रिस्पॉन्स? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि किसी डिपार्टमेंट को कहना, मुझे तो रियली अमेज्ड टू सी एवरी डिपार्टमेंट, और ये बहुत ज़रूरी है कि सियालकोट जैसे डायनामिक सिटी में ऐसा एक डिपार्टमेंट जो है वो ओपन किया जाए, क्योंकि सियालकोट एक डायनामिक सिटी है, इंडस्ट्रियल सिटी है, और इंडस्ट्रियल सिटी के हवाले से
जैसे प्रेसिडेंट साहब ने भी बताया कि न्यू लेबर जो है वो इन्वॉल्व हो रही है इसमें, फॉरनर्स का फ्लाइट शुरू हो चुकी हैं, फॉरनर्स आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी के हवाले से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डायनामिक सिटी में ये प्रोजेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और पॉलिटिकल लेवल पे गवर्नमेंट सेक्टर में जो सियालकोट चैम्बर इंशाल्लाह कर सके वो हम जरूर करेंगे।